हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर चल रहा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, उसका दूसरा पार्ट यानी रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मान लेते कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी क्या होता है? जिसका शेप हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जिसका दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। तो मान लेते कि जो रिजिड बॉडी है वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, मतलब एक एक्सिस के चारों ओर ऐसे घूम रहा है। ठीक है, रिजिड बॉडी। तो रोटेशनल मोशन मतलब क्या होता है? रोटेशनल मोशन मतलब अगर किसी सिस्टम का हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वो एक्सिस के ऊपर है और उसका जो प्लेन ऑफ रोटेशन है वो एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये तीन क्वालिफिकेशन होने से क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कई सारा पार्टिकल्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर फोकस करेंगे। मान लेते कि आयत पार्टिकल यहाँ पे जो है वो घूम रहा है, वो कितना रेडियस में घूम रहा है? इतना रेडियस में घूम रहा है, आर रेडियस में ऐसे घूम रहा है। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? रोटेशन जब हो रहा है तो इसका हर एक पार्टिकल घूम रहा है लेकिन अलग अलग रेडियस में। यहाँ पर रहने वाला पार्टिकल्स ऐसे घूम रहा है, ऐसे यहाँ पर रहने वाला पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। तो अलग अलग जगह पर रहने वाला पार्टिकल अलग अलग रेडियस बना के एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल पार्टिकल को अलग से बनाते हैं और व्यू ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग ऊपर से करेंगे ताकि वो समझने में आसानी होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक सर्कुलर पाथ में, हम लोग मान लेते हैं कि एक सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल आर रेडियस में घूम रहा है। ये पार्टिकल घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है पार्टिकल्स। तो क्योंकि हम लोग एंगुलर मोशन स्टडी कर रहे हैं, ये लीनियर मोशन है क्या? नहीं, ये एंगुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है। यहाँ पे पार्टिकल एक जगह से दूसरा जगह जाता है क्या? नहीं, एक ही जगह पे फिक्स रहता है लेकिन वो घूमता है, मतलब वो जाता नहीं, वो घूमता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम लोग क्या क्या पैरामीटर डिसाइड किए थे? एक तो है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे वो सारे पैरामीटर्स का एक इक्विवेलेंस पैरामीटर आएगा, जो जो लीनियर मोशन में मिला था एंगुलर मोशन में भी उसी का एक एनालोगस या फिर इक्विवेलेंस चीज आएगा। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, जो चीज़ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ देते हैं, जो दूरी मिलता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। लेकिन ये तो जा नहीं रहा है, एक ही जगह पे है लेकिन वो घूम रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वो नहीं होगा कि कितना डिस्टेंस वो दूरी तय कर रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वो हो गया कि एक कितना एंगल बना रहा है। समझ में आ गया? मान लेते हैं कि यहाँ पे पी पॉइंट में पार्टिकल था, टी टाइम के बाद वो पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया क्यू पॉइंट में। ठीक है, ऐसे घूम रहा था पी पॉइंट से क्यू पॉइंट, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या बना? एक एंगल बना। यही होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। समझ में आ गया? उसका नाम क्या देंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? वहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट था उसका एनालोगस यहाँ पे क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है? एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। क्या है? थीटा। थीटा मतलब क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो अगर टाइम के साथ बदलेगा, मान लेते कि वो ऐसे घूम रहा था उसके बाद बढ़ गया, तो क्या आएगा? उसमें वेलोसिटी आएगा। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना तेज़ी से बदलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट DS/DT, उसको हम लोग क्या कहते थे? वेलोसिटी। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना तेज़ी से बदल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू D θ/DT। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ गया? वहाँ पे था कितना तेज़ी से वेलोसिटी बदल रहा है
उसका नाम क्या था, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, समझ में आया, मतलब वहाँ पे जो जो चीज़ था यहाँ पे वही भी चीज़ मिल गया, उसके एनालॉगस चीज़ मिला अलग अलग। तो वहाँ पे था एस, यहाँ पे है थीटा, वहाँ पे था वी, यहाँ पे है ओमेगा, वहाँ पे था ए, यहाँ पे है अल्फा, समझ में आ गया। अब जो एस वी और अल्फा है उसके साथ इसका क्या रिलेशन है वो निकालते हैं। तो हम लोग को पता है कि जो एंगल होता है, पता है कि नहीं, ये चीज़ हमको पता है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, होता है कि नहीं होता है। जो एंगल बनता है वो क्या होता है, ये जो आर्क होता है, आर्क मतलब क्या है, पी क्यू, ये आर्क बाय रेडियस होता है, आर्क का मतलब पी क्यू का बराबर हम लोग एस मान लेते हैं, ये लेंथ जो है उसको हम लोग एस मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा की जगह क्या आएगा, एस बाय आर, सो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर थीटा, इक्वेशन नंबर वन। ये क्या हो गया, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन होगा कि नहीं हुआ। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब टोटल कितना दूरी तय हुआ है वो वाला। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। डी एस बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, स्पीड है कि नहीं है, ये आर, और ये क्या है, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, इक्वेशन नंबर टू। मतलब लीनियर स्पीड इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर स्पीड, लीनियर डिस्टेंस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको डिफरेंशिएट और एक बार कर देंगे, मतलब ये जो स्पीड मिला हम लोग लिख सकते हैं, स्पीड बराबर क्या हो गया, रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। स्पीड का मतलब क्या, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है, किधर होता है, अलोंग द एक्सिस। डायरेक्शन किधर होता है, डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस, मतलब ए एक्सिस है ऐसा घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, ए एक्सिस है ऐसा घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे होगा। तो हो गया, इसको अगर और एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर डी ओमेगा बाई डी टी। सो डी वी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। स्पीड क्या है, वेलोसिटी का एक पार्ट है, वेलोसिटी का दो पार्ट होता है, एक तो मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड जो है वो है स्पीड, वो कितना तेजी से बदल रहा है उसके लिए एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये हो गया आर। और कितना तेजी से एंगुलर स्पीड बदल रहा है वो क्या है, ओमेगा अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशंस। तो ए क्या है, यहाँ पे हम लोग ए टी दे रहे हैं, ए टी मतलब क्या, टेंजेंशियल। यहाँ पे क्या है, सिर्फ वही वाला एक्सेलरेशन है जो मैग्नीट्यूड को बदलने से के लिए जो एक्सेलरेशन होता है। हालांकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन किसी में भी बदलाव आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा। तो वेलोसिटी में जो मैग्नीट्यूड है उसमें कितना तेजी से बदलाव आ रहा है उसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन, सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट के लिए। तो वो किधर होगा, टेंजेंट की ओर होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, होता है जो स्पीड होता है वो टेंजेंट की ओर होगा कि नहीं होगा, ये कितना तेजी से बदल रहा है, समझ में आ गया। तो अगर हम लोग सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो अगर वो ऐसे एक्सेलरेशन होगा तो एक एक्सेलरेशन इधर होगा, ए टेंजेंट, किसके लिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलने के लिए। और एक एक्सेलरेशन हमेशा रहता है, वो क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, वो किसके लिए है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलने के लिए। और सर्कुलर मोशन हो रहा है मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बदलेगा ही, अगर नहीं बदलेगा वो सीधा चला जाएगा। सर्कुलर है हो रहा है मतलब डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है हर जगह पे, तो ये चीज़ तो हमेशा रहेगा, ए सेंटीपिटल। सेंटीपिटल का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बाय आर है, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ए एक्सेलरेशन तो हमेशा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ए एक्सेलरेशन रह भी सकते हैं नहीं रह सकते, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में बदलाव आ रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा, लेकिन ए तो रहेगा डायरेक्शन बदलने के लिए।
ठीक है। तो दो एक्सेलरेशन रहता है सर्कुलर मोशन में घूमने वाला एक पार्टिकल का, दो एक्सेलरेशन होता है, एक तो है सेंटर की ओर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन के बदलने के लिए है, जिसी का नाम है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, क्यू सेंटर की ओर है, और एक टेंजेंट की ओर जो क्या है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलने के लिए है। तो जो टेंजेंट की ओर है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को बदलने के लिए जो एक्सेलरेशन है वो बराबर क्या है रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक इक्वेशन मिल गया, समझ में आ गया। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगुलर जो चीज़ है पैरामीटर उसके साथ लीनियर जो चीज़ है उसका एक रिलेशन है, लीनियर चीज़ के साथ एंगुलर चीज़ का रिलेशन, लीनियर चीज़ के साथ एंगुलर चीज़ का रिलेशन, लीनियर चीज़ के साथ एंगुलर चीज़ का रिलेशंस। और हम लोग और एक बात देख रहे हैं कि जो लीनियर चीज़ है उसका एक एनालोगस थिंग सर्कुलर मोशन में है, जैसा कि वहाँ पे था एस, यहाँ पे क्या है उसके जगह में थीटा, वहाँ पे था वेलोसिटी, यहाँ पे जो है एंगुलर वेलोसिटी, वहाँ पे था एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या है अल्फा, वहाँ पे था वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा वन प्लस अल्फा टी, वहाँ पे था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे एनालॉगस थिंग क्या बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा वन टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, वहाँ पे था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, यहाँ पे क्या बन जाएगा ओमेगा टू स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा वन स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, समझ में आया। यहाँ पे यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे ओमेगा वन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा वन, ठीक है, और थीटा एस की जगह क्या आ जाएगा थीटा। तो हर चीज़ का एक एंगुलर इक्विवेलेंस है। जो एंगुलर वेलोसिटी था उसका यूनिट क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या था। तो ओमेगा कुछ तो थीटा बाई टी ऐसा था कि नहीं, डी थीटा बाई डी टी। तो थीटा का यूनिट क्या होता है रेडियन, इसका है सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या होगा रेडियन पर सेकेंड। इसको याद रखना कि जो थीटा होता है उसका यूनिट रेडियन में लिखा जाता है और टाइम सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोग रेड पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड, ओके। किसी टाइम ऐसा भी दिया रहता है कि आरपीएम दिया रहता है, आरपीएम एंगुलर वेलोसिटी आरपीएम के यूनिट में दिया रहता है, तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा इसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग क्या कर पाएंगे उसको मैथ में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो वन आरपीएम इक्वल्स टू हाउ मच रेडियन पर सेकेंड, आरपीएम का मतलब पहले समझो। देखो आरपीएम मतलब है रिवोल्यूशन पर मिनट, ये जो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पर यूनिट में कितना बार रोटेशन कर रहा है वो है रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम। तो इसको यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड कैसे कन्वर्ट करना है, वन रोटेशन पर मिनट है उसको हम लोग वन रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब देखो वन रोटेशन पर मिनट मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि वन रोटेशन बाय मिनट, रोटेशन को रोटेशन रखने से नहीं होगा हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। एक रोटेशन में कितना रेडियन होता है सबको पता है कितना, 2 पाई, 360 डिग्री होता है डिग्री में, रेडियन में कितना होता है 2 पाई। तो वन रोटेशन बराबर कितना 2 पाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन लिख सकते कि नहीं लिख सकते, और एक मिनट बराबर कितना सेकेंड 60 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। सो क्या निकल गया वन आरपीएम इज इक्वल्स टू पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड, बहुत इजी है, 2 पाई बाई 60 देके मल्टीप्लाई करना होगा। रिवोल्यूशन को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है क्योंकि हम लोग को पता है एक रिवोल्यूशन बराबर 2 पाई और मिनट को सेकेंड, तो 60 देके डिवाइड करना पड़ेगा नीचे, मतलब गुणाई करना पड़ेगा लेकिन मिनट तो नीचे है, सो 2 पाई बाई 60 देके मल्टीप्लाई करना होगा जो कि पाई बाई 30 है, समझ में आ गया। और एक चीज़ है, ये जो एक चीज़ जब सर्कुलर मोशन में घूमता है तो वो क्या है एक, वो क्या है वो तो एक पीरियडिक मोशन है, मतलब उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो एक जगह पे एक ही टाइम बराबर वो वापस आ जाता है अगर एक्सेलरेशन ना हो तो, यूनिफॉर्मली अगर घूम रहा है तो एक ही टाइम बराबर वापस आ जाएगा। तो जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे ही वापस आने के लिए उसको जो टाइम लगता है उसका नाम क्या है टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन फुल रिवोल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड।
इसका सिंबल क्या है, कैपिटल टी। यूनिट क्या है, सेकंड। और एक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितना बार घूम रहा है, वो है फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ। ओके, और एक क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। वो तो पता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा। इसका और एक नाम है, क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी याद रखना है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के और एक नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यह है सिर्फ फ्रीक्वेंसी, यह है टाइम पीरियड। अब देखो डेफिनेशन अच्छे से समझो, ओमेगा मतलब पर सेकंड में कितना एंगल जा रहा है, कितना एंगल कर रहा है, वो है ओमेगा। पर सेकंड में कितना बार रोटेट हो रहा है, कितना रिवोल्यूशन पर सेकंड, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड मतलब एक बार घूमने में कितना टाइम लग रहा है, अच्छे से समझना, एक बार घूमने में कितना टाइम लग रहा है वो है टाइम पीरियड, और एक सेकंड में कितना बार घूम रहा है वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक सेकंड में कितना एंगल बना रहा है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है, देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या है, एक बार घूमने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टी टाइम में कितना बार घूम रहा है, एक बार घूम रहा है, तो एक टाइम में कितना घूमेगा, वन बाई टी बार घूमेगा। और पर यूनिट टाइम में जितना बार घूमता है उसे, उसका नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया वन बाई टी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन आ गया है, समझ में आ गया। अब ओमेगा के साथ टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है, ओमेगा मतलब क्या, ओमेगा मतलब एंगल, एंगल पर सेकेंड, समझ में आ गया। अब देखो ओमेगा एंगल, एंगल कित, एक बार रिवोल्यूशन होने से, एक बार रिवोल्यूशन अगर होगा तो एंगल कितना बनाएगा, टू पाई एंगल बाय टाइम, सॉरी टाइम। और एक बार रिवोल्यूशन के लिए जितना टाइम लगेगा उसका नाम क्या है, टाइम पीरियड टी। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, टू पाई बाय टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो हो गया ओमेगा और टी का रिलेशंस, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम पीरियड का रिलेशन, समझ में आ गया। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी एंड एफ इक्वल्स टू 1 बाय टी, बहुत कम में आएगा बाद में। ठीक है, तो ये तभी वैलिड है जब हम लोग पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जिसका एक पीरियड होता है, मतलब एक टाइम बाद बाद वो वापस आ जाता है, वो है पीरियोडिक मोशंस। और जो मतलब पहले बार दो सेकंड में आया, दूसरे बार जल्दी आ गया, वो पीरियोडिक मोशन नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं है। पीरियोडिक मोशन जब होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, तब ये वैलिड है, समझ में आ गया। यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एंगुलर मोशन के ऊपर। पहला प्रॉब्लम है, ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल क्या कर रहा है, 50 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और उसका स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, लीनियर स्पीड ऑब्वियसली, यूनिट से ही पता चलता है। तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है वो पता करना है। तो हम लोगों को पता है कि जो v होता है वो क्या होता है, r ओमेगा होता है। सो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, v बाय r होगा। v का मतलब क्या, 5, r मतलब 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर हम लोग कैसे जाएंगे, उसको 100 देके डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 10^-2 देके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट वे में करेंगे, 100 देके मल्टीप्लाई करने के मतलब है 10^-2 देके मल्टीप्लाई करना, और 100 देके मल्टीप्लाई करने का मतलब है, सॉरी 10^2 देके मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और 100 देके डिवाइड करने का मतलब है 10^-2 देके मल्टीप्लाई करना। ठीक है, क्योंकि देखो 100 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1000 को 10^3 लिखेंगे, और 1/1000 को कैसे लिखेंगे, 10^-3 लिखेंगे। ठीक है, पावर में लिखेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5×10^2 डिवाइडेड बाई 50, मतलब हो जाएगा 10, ये कट जाएगा, 10 रेडियन पर सेकेंड, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे अब पावर से करेंगे, पावर के देखे ही करेंगे। यहाँ पे जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग एसआई सिस्टम में कर रहे हैं। तो एक नंबर हो गया। नंबर टू प्रॉब्लम क्या है, देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए पार्टिकल अटेन एंगुलर स्पीड ऑफ 600 rpm, मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया ऐसे करके और बढ़ता गया, कुछ देर बाद क्या हो गया, 600 हो गया। तो इसका जो एंगुलर मोशन में, एंगुलर वेलोसिटी में बदलाव आया, पहले तो जीरो था, उसके बाद ऐसा बदलाव आया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन है इसीलिए तो बढ़ा।
तो यहाँ से हम लोगों को क्या एक्सेलरेशन पता करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ पे था वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे क्या होगा ओमेगा टू इक्वल टू ओमेगा वन प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा वन प्लस अल्फा टी। ओमेगा टू मतलब कितना, 600 आरपीएम। अब आरपीएम में तो बैठा नहीं सकते, उसको हम लोग रेडियन पर सेकेंड करना होगा। कैसे करेंगे, 600 आरपीएम जो है उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाई 30 देखिए मल्टीप्लाई करता है। कुछ देर बाद हम लोग, कुछ देर पहले ही हम लोग किया 20, तो क्या हो जाएगा 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हम बैठा देंगे 20 पाई, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, अल्फा कैलकुलेट करना है और टाइम कितना है, कितना सेकेंड, 6.28 सेकेंड। तो यहाँ से देखो अल्फा निकल जाएगा 20 पाई बाय 6.28। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.14। ये 6.28 ये कट जाएगा दो, और ये भी कट जाएगा, तो हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया, तो हो गया नंबर टू। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑल्सो फाइंड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद वो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ऐसे घूम रहा है तो उसका तो कुछ एंगल बन रहा है ना, एक बार कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना एंगल बनेगा, 2 पाई। तो ऐसे जितना बार घूमेगा वैसे होगा, तो टोटल कितना होगा, हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ आई टी स्क्वायर। सो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ओमेगा वन टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा वन तो जीरो है, तो जीरो हो गया, हाफ अल्फा तो अभी निकला 10, और टी मतलब कितना, 10 सेकेंड बाद, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100। सो 100 मल्टीप्लाई बाई 10 1000 डिवाइडेड बाई 2 500। सो 500 थीटा की यूनिट क्या होगा, रेडियन। रेडियन बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस 2 अल्फा s। वो फॉर्मूला लगा पे भी कई सारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं एंगुलर मोशन के ऊपर ही। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में घूमने वाला एक बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 300 आरपीएम टू 600 आरपीएम। 300 आरपीएम से बदल के 600 आरपीएम हो गया आफ्टर कवरिंग 50 रेडियन एंगल्स। 50 रेडियन एंगल्स कवर करने के बाद, मतलब यहाँ पे कई सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, उसको हम लोग टैबुलेट कर लेते हैं। क्या क्या मिला, एक तो है कि उसका जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, 300 आरपीएम। तो ये 300 आरपीएम रखने से तो नहीं होगा, इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, 300 इंटू पाई बाई 30 इज इक्वल टू 10 पाई, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। सेकेंडली ओमेगा 2 वो क्या होगा, 600 आरपीएम, वो क्या हो जाएगा, 600 इंटू पाई बाई 30, तो क्या हो जाएगा, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। दो चीज़ निकल गया। और एक चीज़ क्या है, यहाँ पे इतना एंगल कवर करने के बाद, मतलब ये किसके बारे में बता रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो थीटा मतलब क्या हो गया, 50 रेडियन। यहाँ पे और एक बात इंपॉर्टेंट है, कभी कभी थीटा पाई में दिया रहेगा, जैसे कि 2 पाई बाई 6, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो पाई के जगह हम लोग वो रेडियन में है, वही कोई बात नहीं। अगर मान लेते कि थीटा दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रखने से नहीं होगा, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर थीटा के जगह 30 डिग्री बोला जाएगा तो डिग्री में रखने से तो नहीं होगा ना, रेडियन में करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 180 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेडियन में है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी बदल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है, और उसी एक्सेलरेशन को हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम का कोई बात नहीं है, तो हम लोग ए फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। एंगुलर फॉर्म में लगाना पड़ेगा, ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा 2 स्क्वायर मतलब क्या है, ओमेगा 2 मतलब 20 पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, अल्फा निकलना है, थीटा मतलब 50,
अब क्या करना पड़ेगा, देखो 2 अल्फ़ा इंटू ए क्या हो जाएगा, 100 अल्फ़ा हो जाएगा, और इसको इधर कर देंगे और ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 पाई का स्क्वायर माइनस 10 पाई का स्क्वायर, ये क्या होगा 400 पाई स्क्वायर, ए हो जाएगा 100 पाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 300 पाई स्क्वायर, 100 अल्फ़ा, सो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 300 पाई स्क्वायर बाय 100, मतलब 3 पाई स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पाई का वैल्यू बैठा भी सकते हैं, नहीं भी बैठ सकते, ऐसे रखने से ही हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेटर तो अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रोटेशनल मोशन के ऊपर कई सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी रोटेशनल मोशन का मेन पार्ट में अभी तक हम लोग शुरू नहीं किया, हम इंट्रोडक्शनरी आइडिया है कि रोटेशनल मोशन में क्योंकि सर्कुलर मोशन होता है तो उसका एक कंडीशन होता है, उसके बाद हम लोग वो ओरिजिनल जो रोटेशनल मोशन है उसके बारे में बात करेंगे।